किया था इन्हीं सबके साथ जय जय भारत जी। मेरा सम्मान्य सदस्य दुबे जी के भाषण पर एक ही वो विनायक जी से कह रहे हैं ना, एक मिनट सुनी तो सही, एक मिनट सुनी तो सही, आपके लिए भी अच्छा है वो कला, वो शब्द अच्छा नहीं लगा उसको, आप अगर संविधानी कहते अरुण साहब नो नो, आप जो बात कहनी है आपके आपके सहयोगी को बोलने दीजिए, मेरी बात नहीं, जवाब तो दे, नोट बना के दे, मैंने जो सवाल किया उसके ऊपर जवाब दे, नो 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 नो, धन्यवाद विनायक, हम भी बोलेंगे आपकी कोचिंग रिकॉर्ड में नहीं तब मना नहीं कर रहा, मैं भी करूंगा फिर रिकॉर्ड एंड यू वांट टू स्पीक प्लीज टेल राउत साहब ही विल डिलीवरेट दैट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं सभापति महोदय जी मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी को और आपको भी कि आप इस विषय पर मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया है। खास करके जम्मू कश्मीर के बारे में जब जब सरकार के माध्यम से जो जो कानून बनाए गए, चाहे वो 300 धारा हटाने की कानून हो, एनआरसी का कानून हो, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी के आदेश से हमने हर बार केंद्र सरकार को इस विषय के ऊपर समर्थन दिया है और इस दोनों बिल के माध्यम से भी केंद्र सरकार कश्मीरी लोगों के हित के लिए जो करना चाहते हैं हमारे पार्टी के तरफ से मैं इस दोनों बिल का समर्थन करता हूं सभापति महोदय। बात ऐसे कि जम्मू कश्मीर एक अखंड भारत का एक पार्ट है और इसीलिए इस देश में दो कानून नहीं होना चाहिए, दो संविधान नहीं होना चाहिए और ये मांग सबसे पहले विचार हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कई वर्षों के पहले रखे थे। सद्भाग्य से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व से सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देने के लिए जो व्यवस्था कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसी व्यवस्था करेंगे तो उन्हें साफ साफ तहत यानी स्पष्ट रूप से कुछ प्रश्न का यहाँ स्पष्टीकरण होने की आवश्यकता है। जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में एक माइग्रेंट और दूसरा पीओके ऐसे दो पार्ट में बसे हुए लोगों को जम्मू कश्मीर के विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए ये जो बिल लाए हैं उसका स्वागत है, वो तो होना चाहिए, लेकिन कई प्रश्न यहाँ निर्माण हो रहे हैं सभापति महोदय, उसका उत्तर अपने रिप्लाई में माननीय गृह मंत्री जी ने देने की आवश्यकता है। क्या माइग्रेंट हो या पीओके के अंदर के जो लोग रहने वाले हैं उनको जो प्रतिनिधित्व देने के लिए जा रहे हैं उनको असलियत से उनका फायदा उनको कब मिलेगा? कि सारे सदस्य ने जैसा कहा है अभी वहां चुनाव हुआ नहीं है, होने की संभावना है या नहीं उसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन जब सही तरीके से अगर वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है तो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव विधानसभा का चुनाव करने की भी घोषणा आज के रिप्लाई में माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, ऐसा मैं भरोसा विश्वास रखता हूं। खास करके मेरा विश्वास ऐसा है जैसे कि कहा कि 41,844 इतने फैमिलीज वहां से माइग्रेंट हो चुके हैं और कई जो बार युद्ध हुआ चाहे 65 का हो 71 का हो ऐसे युद्ध के काल में 41,844 इतने फैमिली जब माइग्रेंट हुए तभी उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी सारी जायदाद जो थी वहां के वहां छोड़कर वो लोग दूसरी जगह पे जान बचाने के लिए गए, जहां जगह मिला वहां वो रहे अब आज रह रहे, चाहे मुंबई में भी कई बस्ती वहां इसी तैयार हो चुके। मैं प्रश्न ऐसा है सभापति महोदय कि 41,000 करीबन 42,000 फैमिलीज की जो संपत्ति थी उनकी जो प्रॉपर्टी थी जो सारे के सारे छोड़ दिए थे, ऐसी प्रॉपर्टी का भी खोज करके ऐसी प्रॉपर्टी का संशोधन करके वही लोगों को फिर एक बार वहां बसाने की आवश्यकता है सभापति महोदय। जैसे कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन फिर एक बार
कश्मीर में और जम्मू में करेगा ऐसा ऐलान आदरणीय पंतप्रधान महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, लेकिन मेरे जानकारी के लिए या पूरे देश के जानकारी देशवासियों के जानकारी के लिए भी यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो या जो भी लोग वहां से डर से भाग गए हो, उनको फिर एक बार वहां यानी जम्मू कश्मीर में अपने वहां के जो जायदाद थी वहां के उनका पुनर्वास कब करेंगे और करने की वैसा व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है, या अभी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका कब्जा किसके पास है उसकी भी जानकारी होने की आवश्यकता है सभापति महोदय। दूसरी बात ऐसी है कि रिजर्वेशन बिल कश्मीरी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है सभापति महोदय, एक खास करके सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन देने का जो ऐलान इस बिल के माध्यम से हो रहा है एक अभिनंदनीय है, मैं अभिनंदन करता हूं। वैसे ही मेरी दूसरी मांग ऐसी रहेगी कि आज इस देश में कई समाज ऐसे हैं कि वो आज भी उनको आरक्षण के लिए तड़प रहे हैं, खास करके हमारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सभापति महोदय आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मराठा समाज लाखों की करोड़ों की संख्या में है, धनगर समाज लाखों की संख्या में है, हर कोई ऐसे समाज है, मैंने जिसे महादेव कोली समझते हैं, यानी फिशरमैन में भी एक कम्युनिटी है महादेव कोली, ऐसे कई गट है कि उनको आज भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आरक्षण के लिए पिछले कम से कम 25 साल से वहां के मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, कोली महादेव कोली समाज हो, आरक्षण के लिए लोकशाही मार्ग के रास्ते से आंदोलन करते आ रहे। सभापति महोदय, मराठा समाज का आंदोलन कम से कम 1980 तक अभी तक चालू है, लाखों की संख्या से लोग ऐसे प्रदर्शन करते हैं कि उनके प्रदर्शन की एक लोकशाही के मार्ग से जो प्रदर्शन करते हैं, आज तक उनके शांति से जो प्रदर्शन हो रहा है ऐसे प्रदर्शन अभी तक इस देश में कभी हुआ नहीं है, लेकिन दखलअंदाज नहीं हो रहा है, नजरअंदाज नहीं हो रहा है, यानी करोड़ों की संख्या से जो समाज है और उनको आरक्षण देने की आवश्यकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के सोशली और एजुकेशनली जो कैटेगरी तैयार करके उनको स्पेशल एक स्टेटस दिया, वैसे ही मराठा समाज का, धनगर समाज का और महादेव कोली लोगों के मांग है कि हमें भी जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से क्या हुआ सभापति महोदय कि राज्य सरकार ने कई बार प्रयास किया लेकिन उनके बस की बात है ऐसा मुझे लगता नहीं। मेरी विनंती है इस देश के गृह मंत्री जी से, अमित शाह साहब से, कि मराठा समाज, महाराष्ट्र के मराठा समाज, धनगर समाज, महादेव कोली समाज या देश के कई अन्य बाकी के जो 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 समाज है उनको एक बार न्याय देने के लिए आप सदृदय से आगे आइए और उनको न्याय देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संसद में ही वैसा बिल पारित करने की आवश्यकता है ताकि वहां के लोगों को एक न्याय मिले और न्याय देने का काम आप करेंगे ऐसा मुझे भरोसा है। सिर्फ एक मिनट और दीजिए, जम्मू कश्मीर के बारे में मैं और एक बोलना चाहता हूं कि मेरे अनुभव ऐसा है कि एक मिनट लास्ट काम कि जब हम अभी माननीय रेलवे मंत्री जी यहां बैठे इसके लिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल के माध्यम से श्रीनगर और कतरा का रेल का निर्माण करने का काम हो रहा है, कई पहाड़ों खोदकर पहाड़ों में टनल तैयार करके और दुनिया के सबसे बड़ा चमत्कार आश्चर्य जिसे कहा जाएगा चिनाब रिवर के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज बना रहा है, इस काम हमारे कोकण रेलवे के माध्यम से हो रहा है, आधा मिनट, कोकण रेलवे के माध्यम से हो रहा है। जब हम वहां गए तो वहां के लोगों ने कहा, यानी भरोसा, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर या खास करके कश्मीर के लोग विकास के विरोध में है नहीं है, विकास जहां जहां होता है वहां वहां वो समर्थन करते हैं। कोकण रेलवे के माध्यम से कोकण रेलवे का निर्माण जब हो रहा था तभी उन्हें कोकण रेलवे ने कई पहाड़ों को टनल बनाकर कई गांवों को नजदीक लाने का काम किया और सैकड़ों वर्ष के बाद जब गांव वाले इकट्ठा आ गए तभी उन्होंने कहा कि हमें ऐसा विकास आवश्यक है, हम इस विकास का हम समर्थन करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय। नंदी
व्यक्ति के बारे में कहा कि उसे तुमने अभी नहीं, कहा अपने भाषण में कहा कि दो तीन ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहा सर, देख यदि सुना देख गया है, यदि बोला गया ऐसा, तो उसको हटा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं कहा प्लीज बैठ जाइए, यदि कुछ होगा तो मैं देख लेंगे उसको। जी बोलिए। ठीक है ओके 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 देख लेंगे उसको देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे।